फगवाड़ा के निकटवर्ती गांव रानीपुर में रहने वाली एक नाबालिग लड़की के पारिवारिक सदस्यों ने फगवाड़ा के एक स्थानीय कॉलेज के प्रोफेसर पर लड़की को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म के संगीन आरोप लगाए हैं। मामले संबंधी जानकारी देते हुए पीड़ित लड़की सोनिया के पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि गत रात्रि गांव के निवासी संजीव कुमार, जो कि फगवाड़ा के एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं, उसने उनके घर पर फोन करके सोनिया को घर के बाहर बुलाया, जिसके बाद जब सोनिया बाहर गई तो संजीव और उसके दोस्तों ने सोनिया को जबरन अपनी कार में बैठा गांव के ही मंदिर के नजदीक बने दफ्तर में ले गए और उक्त लोगों ने सोनिया के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। सदस्यों ने बताया कि सोनिया की तलाश में जब वे मंदिर के पास पहुंचे तो सोनिया बेहोशी की हालत में मिली, जिसके बाद सोनिया को स्थानीय सिविल अस्पताल फगवाड़ा में दाखिल करवाया गया। फिलहाल अभी डॉक्टरों ने सोनिया के साथ दुष्कर्म की पुष्टि नहीं की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस का कहना है कि लड़की की डॉक्टरी जांच व लड़की के बयानों को कलमबद्ध करने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। सिविल अस्पताल फगवाड़ा विखे करीबन शाम दे 5 बजे एक लड़की पिंड वासी रानीपुर तो आई है, जिसते कि सेक्सुअल असाल्ट का केस बनता है, जो कि पुलिस थाना रावलपिंडी में पैंदा है। उस लड़की का असी मेडिकल एग्जामिनेशन ले डॉक्टर तो करवा के अगली फर्दर कार्रवाई ली वो भेज दिता गया है। जी मेरी भतीजी अपने संजीव कुमार सन ऑफ मदन लाल, जो कि सामने साडे घर के मंदिर आ, मेरी भतीजी किडनैप करके रात में लै गए, जो कि अभी रंगे हाथ पकड़िया वो ऑफिस के बच्चों पकड़िया। वो नाल एक मुंडा होर सी, वो भी इस कॉलेज के बच्चे लगा हुआ वा, वो नाँ का सानू पता नहीं। तो इन दोनों ने मतलब असी उस मौके के उत्ते जाके फड़ लिया, तो दोवें जने फिर भज गए। यदि तनखा जी असी रावलपिंडी थाना सानू लगता उत्थे देती आ। मेरी लड़की नाबालिग आ, दो लड़के, एक साढ़े पिंड का एक बारला, तो जो संजीव सन ऑफ मदन सिंह मदन शर्मा, तो एक जिहड़ा दौड़ गया, दोनों दौड़ गए आ। तो उन्होंने मंदिर बनाया सीगा, उसके मंदिर के नाल ऑफिस सीगा, उत्थों बरामद किए गए तिने। थाना रावलपिंडी तो पता लगे जी, तो रानीपुर तो सलाह मिली जी, जिदा कुड़ी मतलब कि रात की कोई गैस मुड़े हुए जी, अभी वो मतलब कि मंगा के कार्रवाई कर रहे उस संबंध से।